मिहिर ने जैसे ही संध्या को उसके घर के बाहर छोड़ा, तब उसने कहा, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो आदित्य अब कभी भी तुम्हें परेशान करेगा, फिर भी कहीं भी कुछ सही ना लगे तो मुझे बताना। संध्या ने मिहिर की ओर देखते हुए बोला, हाँ तुमने तो उसे उस लायक ही नहीं छोड़ा कि अब वो कुछ कर सके, बेचारा अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। संध्या की ये बात सुनकर मिहिर भी आदित्य की हालत को याद करता है और हंसने लगता है। मिहिर हंसते हुए बोला, वैसे वो कमीना इसी के लायक है, हिम्मत कैसे हुई उसकी तुम्हें किडनैप करने की, और उसे पता कैसे चला इस बारे में? संध्या ने कंफ्यूज होकर पूछा, किस बारे में? मिहिर एकदम से बोला, अरे यही, हम दोनों के बारे में, उसे कैसे पता चला कि तुम मेरे क्लोज हो और हम दोनों एक साथ। मिहिर इतना बोलते हुए चुप हो गया, क्योंकि संध्या अपनी आंखों में बहुत सारे सवाल लिए हैरानी से उसकी तरफ ही देखने लगी। संध्या ने मिहिर से पूछा, हम दोनों साथ मतलब, और ऐसा क्यों लगा होगा उसे? मिहिर ने संध्या की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ उस आदित्य को पक्का कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि तुमने मेरी पेंटिंग बनाई, शायद इसलिए। संध्या भी सोचते हुए बोली, हाँ वो सच में इडियट है, किसी की पेंटिंग बनाने से ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। मुझे तो तुम्हें कुछ अलग लगा, बस इसीलिए मैंने तुम्हारी पेंटिंग बना दी। मिहिर भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ और ये बात उस जैसे बेवकूफ को कभी समझ में नहीं आने वाली। खैर छोड़ो, तुम अभी घर जाओ और अपना ध्यान रखना, बहुत लेट हो गया है पहले ही। मिहिर की यह बात सुनकर संध्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर उसे बाय बोलकर संध्या अपने घर के अंदर चली जाती है। संध्या को उसके घर ड्रॉप करने के बाद मिहिर अपनी कार बैक करके वहां से निकलता है। मिहिर सुंदर और संध्या को उनके घर ड्रॉप करने के बाद सीधा अपने हॉस्टल आ जाता है। मिहिर हॉस्टल वापस तो आ गया है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी आज का मामला ही चल रहा है और वो संध्या के लिए परेशान भी है, इसलिए वापस आकर उसने संध्या के बारे में बात करने के लिए निखिल को फोन किया। दूसरी तरफ से जैसे ही निखिल ने कॉल रिसीव किया, वो मिहिर से बोला, हाँ छोटे सरकार, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप ठीक से अपने हॉस्टल पहुंच गए ना? निखिल की बात का जवाब देते हुए मिहिर ने कहा, हाँ मैं हॉस्टल तो पहुंच गया, लेकिन मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए कॉल किया है, अभी तुम बिजी तो नहीं हो ना? निखिल एकदम सहजता से बोला, आपकी बातें सुनना ही मेरा काम है। मिहिर बोला, वो मुझे आपसे संध्या को लेकर ही बात करनी है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से दोबारा ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में पड़े, इसलिए जल्दी से जल्दी उसका बाहर विदेश में पढ़ाई का इंतजाम करवाइए, उसे यहां से दूर भेजना है। निखिल ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, जी छोटे सरकार, अच्छा हुआ जो आपने मुझे एक बार याद दिला दिया, नहीं तो बाकी सब चीजों के चलते ये तो मैं भूल ही गया था कि संध्या वो पेंटिंग कॉम्पिटिशन जीती है और उसके रिवॉर्ड में हमने ये प्राइज रखा था कि जीतने वाले को विदेश भेजा जाएगा। मैं जल्द से जल्द ये करवाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। निखिल की बात काटते हुए मिहिर बीच में बोला, आज जो भी हुआ संध्या के साथ, उसके बाद से मुझे उसे लेकर बहुत टेंशन है, और जब तक वो यहां से दूर किसी सेफ जगह पर नहीं चली जाती तब तक मुझे टेंशन रहेगी, इसलिए तुम बस जल्दी से मेरे ऑर्डर को पूरा करो। ओके छोटे सरकार, मैं करवाता हूं। इतना बोलकर निखिल कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर मोबाइल स्क्रीन पर मिहिर का नंबर देखकर बोलता है, छोटे सरकार अभी भी लड़कियों को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं और उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत परेशान रहते हैं। निखिल ने जो बात अभी अभी बोली उसके बहुत सारे एग्जाम्पल तो उसके सामने है, जैसे कि मिहिर का वर्षा और उसके परिवार की मदद करना, श्रेया की मदद के लिए कार्तिक के साथ मिलकर उसे एक प्रोजेक्ट दिलवाया और फिर पेंटिंग कंपटीशन अरेंज करवाकर उसमें संध्या को विनर बनवाया और फाइनेंशियली उसे सपोर्ट किया। उधर आलिया कपूर भी है, उसके लिए भी मिहिर कुछ ना कुछ करता ही रहता है उसके सपोर्ट में और उसकी लाइफ को आसान बनाने के लिए। खैर छोटे सरकार की छोटे सरकार ही जाने। मिहिर अभी संध्या के बारे में ही सोच रहा है कि तभी उसके दोस्त कमरे में आ जाते हैं। मिहिर के चेहरे पर चोट के निशान देखकर उसके लिए परेशान होते हुए कार्तिक ने कहा, ये सब क्या है मिहिर, तुम्हारे साथ कुछ तो गलत हुआ है और तुम हमें पूरा सच बताओगे अभी? मिहिर कार्तिक की बातों का मतलब नहीं समझ पाया, क्योंकि उसने अपना चेहरा अभी तक देखा ही नहीं था कि चोट का निशान कितना साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए मिहिर नासमझी से कार्तिक की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट्स रॉन्ग, और क्या बताऊं मैं तुम सबको? मिहिर की बात सुनकर उसका चेहरा अपने हाथ से पकड़ते हुए अचल ने कहा, ये जो तेरा चेहरा इतना सूजा हुआ है और ये नीला पड़ा हुआ है, इतने निशान, बता किसने पीटा तुझे,
चाहे वो जितना भी खतरनाक हो, हम अभी तेरा बदला लेंगे उसे पीट कर। और इतना बोलकर अचल के साथ साथ कार्तिक ने भी अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करके ऊपर कर ली और वो सब बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उन सबको ऐसे देखकर मिहिर ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए अपने मन में कहा, मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है ही मेरे दोस्त, अब मैं क्या करूं इनका। वैसे क्यूट भी हैं, इतना ध्यान रखते हैं मेरा, लेकिन अब इन्हें कुछ तो बताना ही पड़ेगा। अपने मन में इतना सोचने के बाद मिहिर उन सबको शांत करते हुए बोला, अरे अरे रिलैक्स रिलैक्स, बस करो, तुम सबको किसी को मारने पीटने नहीं जाना है, तुम सब तो बस हमेशा तैयार ही रहते हो, और मैं ठीक हूं, ये बस ऐसे ही हल्की सी चोट है। उसके दोस्तों को उसकी इन बातों पर यकीन तो नहीं है, क्योंकि उसका चेहरा तो कुछ और ही हाल कह रहा है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि मिहिर उन्हें आगे और कुछ बताने के लिए रेडी ही नहीं है, तो उन लोगों ने भी और आगे उससे ज्यादा जोर देकर इस बारे में नहीं पूछा। कार्तिक मिहिर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, इट्स ओके, तुझे नहीं बताना तो फिर कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब छोटी मोटी लड़ाई तो खुद से हैंडल करने में मास्टर है। कार्तिक की ये बात सुनकर मिहिर ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसके बाकी दोनों दोस्त अचल और विवान भी वहां रूम में ही खड़े होकर उन दोनों की बात सुन रहे हैं। तभी उन दोनों के सामने खड़ा अचल बोला, अच्छा ठीक है, चोट चाहे जैसे भी लगी हो लेकिन दर्द तो हो रहा होगा ना, एक मिनट रुकना, मैं अभी आइस पैक लेकर आता हूं। और इतना बोलकर अचल बर्फ लेने के लिए चला जाता है। तभी मिहिर ने कहा, अरे मैं ठीक हूं यार, क्यों परेशान हो रहे हो। तभी विवान बोला, हां मिहिर, बर्फ से तुम्हें आराम मिलेगा और ये जो निशान चेहरे पर पड़े हैं वो भी कम हो जाएंगे। विवान ने मिहिर के चेहरे पर आइस पैक लगाया, मिहिर को भी थोड़ा अच्छा लगा और फिर वो चारों वहीं रूम में बैठकर एक दूसरे से बात करने लगे। तभी बातें करते हुए कार्तिक ने थोड़ा सा एक्साइटेड होते हुए कहा, अबे तुम सबको पता है ना, इस टाइम हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फंक्शन और कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, और उसमें अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन है। कार्तिक की ये बात सुनकर विवान ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तू फिर से किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहा है क्या, एक काम कर, तू ना डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर ले, जीतेगा नहीं तो क्या हुआ, थोड़ा एंटरटेनमेंट ही हो जाएगा, क्यों अचल है। कम ऑन, गिव मी हाई फाई। इतना बोलकर विवान अचल के हाथ पर हाई फाई देते हुए हंसने लगा और उन दोनों को इस तरह हंसते देख मिहिर भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो सब आपस में बस हल्का फुल्का मजाक कर रहे हैं और कार्तिक भी ये बात समझ रहा है, लेकिन फिर भी अपना मजाक उड़ने पर वो उन तीनों को याद दिलाते हुए बोला, फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन में जीत चुका हूं मैं, अगर तुम लोग भूल गए हो तो मैंने सोचा फिर से याद दिला दूं, और मुझे और किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लेना, वो तो बस मैं तुम लोगों को बता रहा था। कार्तिक के इस तरह बोलने पर मिहिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करवाते हुए बोला, अरे यार याद है हम सबको, हम सब बस मजाक कर रहे हैं, तू क्यों इस तरह भड़क रहा है, वैसे क्या बता रहा था। मिहिर की बात पर कार्तिक एकदम नॉर्मल होते हुए बोला, मैं ये बता रहा था कि इस वक्त म्यूजिक कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस भी हो रही है, चलो ना वहां पर चलकर एक नजर डालते हैं। कार्तिक की बात वहां पर बैठे तीनों लड़कों को समझ नहीं आती, लेकिन अचल कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है, ये म्यूजिक कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस में ऐसा क्या देखने लायक होता है जिस पर हमें चलकर एक नजर डालनी चाहिए। अचल के इस सवाल पर कार्तिक ने कहा, अरे यार तुम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, कहां बुद्धू दोस्तों के बीच में फंसा हुआ हूं मैं, खैर सुनो मैं बताता हूं, आज से पहले कभी भी इतना बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं हुआ हमारी यूनिवर्सिटी में, और वहां पर देखने लायक बहुत सारी खूबसूरत और हॉट लड़कियां होंगी, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां ही म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो अगर हम प्रैक्टिस देखने चलेंगे तो हमें लड़कियां ताड़ने को भी मिलेगा। कार्तिक ये बात बहुत एक्साइटेड होते हुए बोलता है, लेकिन उसके बाकी तीनों दोस्त को उसकी इस बात में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। मिहिर तो उसे याद दिलाते हुए बोला, इसका मतलब श्रेया का चैप्टर क्लोज हो चुका है, इसलिए ही अब तू अपने लिए नई गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है, क्यों सही कहा ना मैंने। मिहिर की बात सुनकर कार्तिक थोड़ा सा उदास होते हुए बोला, श्रेया और मेरा कोई चैप्टर ओपन ही कब हुआ मेरी लाइफ में, अरे यार तुझे तो सब पता है, उसे मुझ में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कब तक मैं उसके पीछे ही घूमता रहूं, और वैसे भी ये सब तो बस टाइम पास के लिए है। कार्तिक को इस तरह डाउन होते देख विवान उसे चेयर अप करते हुए बोला, हाँ भाई सही प्लान है तेरा, चल चलते हैं और एक नजर डालकर आते हैं, क्या पता कोई मिली जाए, वैसे भी हम दोनों तो सिंगल ही हैं, क्यों। विवान ने यह बात इस तरह से कही है कि उसकी बात सुनकर कार्तिक अचल और मिहिर तीनों ही मुस्कुराने लगते हैं। म्यूजिक कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस पर जाकर देखने के लिए वो सब एग्री हो गए और अगले दिन सभी ने अपनी क्लासेस लेने से पहले
म्यूजिक प्रैक्टिस देखने जाने का फैसला लिया और फिर अपने अपने हॉस्टल रूम में सोने के लिए चले गए। अगली सुबह म्यूजिक कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस पर जाने के लिए वो सभी एक्साइटेड है, लेकिन मिहिर ही उन सब में से सबसे कम एक्साइटेड दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने दोस्तों के सामने वो भी उनकी तरह ही अपनी एक्साइटमेंट दिखा रहा है, क्योंकि वो उनसे अलग नहीं लगना चाहता। सब आज बहुत अच्छी तरह से ड्रेसअप हुए हैं और अब वो चारों के चारों मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने में लगे हैं और दाएं बाएं मुड़कर चारों तरफ से अपने आप को आईने में देखने की कोशिश कर रहे हैं और ये पक्का कर रहे हैं कि कहीं से कोई कमी तो नहीं रह गई है। मिहिर सबसे पहले ही तैयार होकर बीच में बेड पर बैठ गया है, लेकिन बाकी तीनों तो जैसे आज मिरर के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद मिहिर ने ही ऊब कर उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, बस करो यार, तुम सब अच्छे दिख रहे हो यार, इतना भी क्या सजना सवरना। मिहिर की बात सुनकर विवान ने कहा, खुद रेडी हो गया है तो अब 2 मिनट चुप नहीं बैठेगा। विवान की बात को सपोर्ट करते हुए कार्तिक बोला, हाँ, ये मिहिर का बच्चा चाहता ही नहीं है कि कोई भी इससे ज्यादा हैंडसम लगे, इसीलिए ही हमें ठीक से तैयार नहीं होने दे रहा है। वो सब हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये बातें बोल रहे हैं और मिहिर भी समझ रहा है, लेकिन वो अब अपने दोस्तों को और ज्यादा तैयार होते नहीं देख पा रहा है। उसे उन तीनों का इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड होना सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए बोला, ठीक है, जब तुम सब फाइनली रेडी हो जाओगे तो मुझे कॉल करके बुला लेना, तब तक मैं इधर उधर ही टहल लूंगा। वो लोग मिहिर को रोकते इससे पहले ही वो वहां से निकल गया। तो क्या होगा आगे? क्या मिहिर को यहां कोई ऐसा मिलेगा जो उसकी जिंदगी बदल दे, या वो फिर से किसी मुसीबत में फंस जाएगा? क्या उन लोगों को ऐसा कोई अलग मिलेगा वहां म्यूजिक कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस में? जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।